माय सलून जोन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने सलून में स्टाफ को हायर करने के दौरान ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। सलून स्टाफ की हायरिंग प्रक्रिया एक लंबा और थका देने वाला काम है, लेकिन यह जरूरी भी है। आपके सलून की सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके सलून में काम करने वाले प्रतिभाशाली एम्प्लॉयज पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज ही हैं जो आपके बिजनेस को चलाते हैं। अपने स्टाफ की हायरिंग के लिए रिक्रूटमेंट की प्रायोरिटीज को इन प्रश्नों के सेट के साथ निर्धारित करें। सबसे पहला प्रश्न है, आपके सलून की स्टाफ रिक्वायरमेंट क्या है? अपने सलून में एम्प्लॉयज की संख्या और प्रत्येक एम्प्लॉय की योग्यता के बारे में एक सर्वे करें। अनावश्यक रूप से जरूरत से ज्यादा स्टाफ रखना बिजनेस के लिए सही नहीं है। अपनी जरूरत के अनुसार ही स्टाफ की संख्या तय करें, और यही काम हमें स्टाफ की क्वालिफिकेशन देखते समय भी करना है। सभी अपने बिजनेस के लिए बेस्ट स्टाफ चाहते हैं, पर क्या हम सक्षम हैं कि अपने स्टाफ को इतनी सैलरी दे पाएं? अपने स्टाफ को चुनते समय यह ध्यान रखें कि आपको अपने सलून के स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही हायरिंग करनी है। अपने सलून के लिए बड़ी सोच रखें, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना सही नहीं होगा। अपने सलून के स्टाफ को हमेशा प्रॉपर स्ट्रेटेजी और हासिल किए जा सकने वाले गोल्स के साथ ही बढ़ाएं। अगला प्रश्न ये आता है कि आप अपने वर्क प्लेस पर किस तरह का वातावरण चाहते हैं? आपके स्टाफ का बिहेवियर आपके वर्क प्लेस पर एक सकारात्मक माहौल बनाए रखता है। कुछ सलून ऑनर्स अपने स्टाफ से एक तरह का डिसिप्लिन बनाकर काम करने की अपेक्षा करते हैं, वहीं कुछ लोग स्टाफ के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अपने स्टाफ से भी उसी बिहेवियर की उम्मीद करते हैं जैसे आप खुद हैं। अगर आप एक खुशमिजाज मूड के व्यक्ति हैं तो स्टाफ भी ऐसा ही चाहेंगे। वहीं अगर आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं तो हो सकता है आपके सलून में जॉली मूड के लोग फिट ना हो पाएं। इसलिए आप ऐसे एम्प्लॉयज रखें जिनका स्वभाव आपकी छवि से मिलता है। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या आपके एम्प्लॉयज महत्वाकांक्षी हैं? एम्बिशियस होना अच्छी बात है, पर यदि आपका एम्प्लॉय अपनी सेवाओं से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करता है और उसकी अपेक्षाएं पूरी न होने पर आपका सलून छोड़कर खुद का सलून खोलने की प्लानिंग करता है, तो एक सलून ऑनर के तौर पर आप ऐसे एम्प्लॉयज पर ट्रेनिंग में लगने वाला समय और ऊर्जा व्यर्थ न करें जो ज्यादा समय तक आपके सलून में काम नहीं करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज आपके साथ लंबे समय तक काम करें, तो आपको उनके एथिकल व्यूज को भी ध्यान में रखना होगा। स्टाफ को एक टीम की तरह एक दूसरे पर भरोसा बनाने में समय लग सकता है। ऐसे में ओवर एम्बिशियस एम्प्लॉयज के नौकरी छोड़कर जाने के कारण आपका बार बार नए रिक्रूटमेंट करना समय और ऊर्जा गंवाने के साथ ही आपसी टीम वर्क को भी कमजोर करता है। अब प्रश्न आता है कि क्या आपके एम्प्लॉयज भी आपकी तरह ही समान गोल्स और विचार रखते हैं? आपके एम्प्लॉय के टैलेंट और क्वालिफिकेशंस के साथ आपके सलून की प्रोग्रेस के लिए अंत में यह भी जरूरी है कि आपका और आपके स्टाफ का विजन समान हो। आपके एम्प्लॉयज खुद कितने ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उनका यह टैलेंट आपके सलून में तभी काम आएगा जब वे सब एक टीम की तरह काम करेंगे। सही स्टाफ के बिना आप अपने सलून को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए यह जरूरी है कि आपका स्टाफ भी आप ही की तरह सलून के विजन को साथ में लेकर चले। ये सारे पॉइंट्स आप अपने स्टाफ को हायर करते समय ध्यान में रखें। आपके सलून एम्प्लॉयज आपके एसेट हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ चुने। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।